राधे राधे दोस्तों, कुकबित उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सभी का फेवरेट पिज्जा बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा बनाने के लिए एक कंटेनर में 1.5 बड़े चम्मच दही डालेंगे, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डालना जरूरी है। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें झाग आने लगा है। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। मैदा का सॉफ्ट डो बनके तैयार है। अब हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डो को 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 1 घंटे हो गए हैं, डो सेट हो गया है, इसे एक बार फिर से मसलेंगे। अब हम इसे बेलेंगे, प्लेट लेंगे, प्लेट को बटर से ग्रीस कर लेंगे। किचन काउंटर में सूखा मैदा डालेंगे, डो रखेंगे, डो के ऊपर भी सूखा मैदा डालेंगे और इसे बेलेंगे। हमने डो को प्लेट की साइज जितना बेल लिया है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब हम इसे ग्रीस की हुई प्लेट में रखेंगे। अब हम इसे बराबर कर लेंगे। अब हम इसमें फोक की मदद से छेद करेंगे। छेद करने से बेस फूलेगा नहीं। हमने इसमें छेद कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई में नमक डाल दिया है। अब हम इसमें एक स्टैंड रखेंगे। आप स्टैंड की जगह किसी भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। अब हम तैयार किए हुए बेस के ऊपर पिज्जा सॉस लगाएंगे। आप पिज्जा सॉस की जगह टमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप मोज़रेला चीज़ की जगह प्रोसेस्ड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर रखेंगे। आप पिज्ज़ा को प्याज, ऑलिव या फिर स्वीट कॉर्न से भी डेकोरेट कर सकते हैं। सब्जियों के ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज और डालेंगे। अब हम इसे बेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई गर्म हो गई है। स्टैंड के ऊपर प्लेट रखेंगे। ढक के पिज्जा को 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। 10 मिनट के बाद आप पिज्जा को एक बार चेक कर ले। 20 मिनट हो गए हैं, पिज्जा बेक हो गया है। आप देख सकते हैं कि चीज मेल्ट हो गई है। गैस को बंद करेंगे, प्लेट को बाहर निकालेंगे। अब हम पिज्जा के ऊपर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। पिज्जा को बड़ी थाली में रखेंगे। पिज्जा कटर की मदद से इसे कट कर लेंगे। मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ। देखिए कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। पिज्जा आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से बेक हुआ है। तो लीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सभी का फेवरेट पिज्जा बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।